कोविड 19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के आदेश पर विभिन्न जिलों पर कोविड वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं झरिया के गुजराती स्कूल में भी कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है। अभी तक लगभग हजारों लोग कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा चुके हैं, लेकिन इस काम पे लगी आंगनबाड़ी सहिया सखियों ने सरकार के प्रति अपनी उदासीनता जाहिर की है। सहिया सखियों का कहना है कि पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने दिल से काम किया है, लेकिन सरकार ने हमारे कार्य को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। आज भी हमारा वेतन मात्र 2000 है, हम कैसे अपना घर चलाएं? सरकार को कम से कम हमारी तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। और हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोग देखिए सरकार के लिए और अपने समाज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मजबूत कड़ी है स्वास्थ्य विभाग के लिए, जिसके लिए कि हम लोग कोरोना काल में भी जाकर के घर घर जाकर के बीमारी, इतना भयानक बीमारी, जानलेवा बीमारी होने के बावजूद हम लोग जाकर के हर घर में अपना काम दिए हैं, योगदान दिए हैं। और आज का डेट में भी सभी लोगों को बुला करके ये कोविड का वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो अपना घर परिवार सबको छोड़ करके हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए से कि हमारा स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम जो है और ये मिशन हमारा सफल रहे, ये मिशन हमारा सफल रहे। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। सरकार के तरफ सब कोई सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हमारा सरकार के तरफ से देखिए सहयोग जो भी कुछ है आज तक कम से कम नहीं मिल रहा, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं अभी 2000 रुपये हम लोग का मात्र पेमेंट है, और 2000 रुपये में क्या होगा पेमेंट में। हम लोग चाहते हैं अभी डी सी का कुछ काम करवा रहे हैं, पूरा हम लोग पर जोर है कि आप लोग इस काम को सक्सेस कीजिए। धनबाद से शौकत खान की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।